गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर। आप लोगों को जैसा कि पता है कि सरोजनी नगर मेरी फेवरेट मार्केट है, और किसकी नहीं होगी, जो दिल्ली में रहता है उसकी सरोजनी नगर फेवरेट मार्केट तो होनी है। तो मैं पहुंच चुकी हूँ सरोजनी नगर। यहाँ पे सरोजनी नगर के मैं मेन गेट पर हूँ, बिल्कुल मॉल के सामने दो एंट्रीज मिलेंगी। एक एंट्री से आपको शोरूम्स शॉप्स मिलेंगी एंड दूसरी एंट्री से आपको ये एक्सपोर्ट मार्केट स्टार्ट होती है। तो हम जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ। तो मैंने ये एंट्री ली है, और एंट्री लेते ही आपको ये एक्सेसरीज़ यू नो ज्वेलरी एक्सेसरीज़ की शॉप्स, मेकअप वेकअप का जितना भी स्टफ़ है वो आपको मिलेगा। एंड अगर आप शोरूम्स या शॉप्स के अंदर जाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्रेश आइटम्स वहाँ मिलते हैं, एंड बाहर जो स्ट्रीट मार्केट है वहाँ पे आपको एक्सपोर्ट आइटम्स मिलते हैं। तो यहाँ पे इस दिन आज तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है इस मार्केट में। लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आज मार्केट में इतनी भीड़ होगी, क्योंकि लोगों को मतलब चलने का रास्ता भी नहीं मिल रहा है। एनीवेज आपको सरोजनी नगर में क्या लेटेस्ट आया है विंटर वो दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यू नो अलग अलग तरीके की शॉप्स, आपको फुटवेयर्स एंड 100-100 रुपये में ना विंटर कलेक्शन की सेल भरी हुई थी। एंड वहाँ पे लेटेस्ट मुझे विंटर कलेक्शन में ये वेलवेट के जो स्वेटशर्ट्स और ट्रैक पेंस आए थे ना, वो काफ़ी देखने को वहाँ पे इस बारी मिले। जैकेट्स वैकेट्स एंड यहाँ पे 150-100 की सेल्स में आपको बड़े बड़े ब्लेजर्स, ओवरसाइज्ड ब्लेजर्स, यू नो जो यूनिसेक्स होते हैं, वो सारे बहुत कुछ देखने को वहाँ पे मिलेगा। एंड ऑल्सो आपको ना इस मार्केट में ना बहुत डिगिंग करना पड़ता है, बिकॉज आप बाहर बाहर से देख कर ना इस मार्केट को जज नहीं कर सकते हो, बिकॉज अंदर आप जब तक नहीं जाओगे ना तब तक आपको चीज़ों का पता नहीं चलेगा। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल न्यू ट्रेंड, आजकल जो ट्रेंच कोट का फैशन चल रहा है वो वहाँ भी काफ़ी देखने को मिला। ये ओवरकोट्स, ये ग्रैफिटी लेन वहाँ की फेमस लेन है, और ग्रैफिटी लेन में ना सबसे बेस्ट ओवरकोट्स और विंटर के जो यू नो कलेक्शन है ना वहाँ पे लेटेस्ट देखने को मिलेगा। आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स आपको ओवरकोट्स के देखने को मिलेंगे। एंड इस मार्केट में मैंने ये डिफरेंट चीज़ देखी, वहाँ पे बहुत ही ओवरसाइज में ना आजकल जो ट्रेंड चल रहा है H&M और ज़ारा वारा में, कि ओवरसाइज स्वेटशर्ट्स वहाँ पे मुझे काफ़ी देखने को मिली। जैक एंड जोन्स, H&M एंड टाई डाई वाले भी काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो ये इस बारी मुझे काफ़ी कुछ न्यू इस मार्केट में देखने को मिला, जैसे कि मैंने आपको बोला वेलवेट फील में ओवरसाइज्ड यू नो जो लेटेस्ट चल रहा है फैशन वो वहाँ पे देखने को मिला। और ये बहुत ही यू नो ऑब्वियसली अगर आप ब्रांड्स का प्राइस लगाते हो, यहाँ का प्राइस लगाते हो, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो वहाँ पे बार्गनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम विंटर की तरफ जाते हैं, और ये देखिए फर कोट्स के ना नए नए इतने अच्छे अच्छे कलर्स, नियॉन कलर्स में जैकेट्स और फर कोट्स की वैराइटीज़ वहाँ पे इस बारी मुझे काफ़ी देखने को मिली। अगर विंटर में आप दिल्ली में हो तो आप सरोजनी नगर ज़रूर जाइए, बिकॉज वो बेस्ट मार्केट है। मेरे को ऐसा लगता है कि समर्स और विंटर्स मतलब दोनों के लिए सरोजनी नगर से बेस्ट मार्केट कुछ नहीं है। तो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो मेरे लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे ही बॉम्बे में मार्केट ढूंढना, बिकॉज सरोजनी नगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मार्केट फॉर विंटर्स ऑल्सो एंड समर्स। तो यहाँ पे ज्वेलरी आपको ये सिल्वर ज्वेलरी की वैराइटीज़ आपको खूब देखने को मिलेंगी 50-100 रुपये में। और जैकेट्स देखो तो अगर ये डेनिम की जैकेट्स का जो आजकल नया फैशन चल रहा है, नियॉन कलर्स में आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। सूट की वैराइटीज़ आजकल क्वाड सेट्स जो चल रहे हैं वो भी उस मार्केट में देखने को मिलेगा। ट्रेडिशनल ज्वेलरी, वेस्टर्न ज्वेलरी, हर तरीके की ज्वेलरी उस मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट फुटवेयर आप देख सकते हैं, मम्मियों के लिए चप्पल्स और डेली यूज़ के लिए आप शूज़ वूज़, आपको अगर लोकल शूज़ अफोर्डेबल मार्केट है, आप नहीं अफोर्ड कर पाते हैं ब्रांड्स, तो ये मार्केट आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी चीज़ फेक आइटम्स ऑब्वियसली मिलते हैं, बट आपको देखना यू नो परखना उसको इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एक्सपोर्ट मार्केट में कुछ कुछ चीज़ें फेक मिलती हैं बट सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कोट की वैराइटीज़, और ये देखिए सूट्स मुझे वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट इस बाई देखने को मिला, शरारा सेट्स और स्ट्रैप्स में सूट की वैराइटीज़ काफ़ी देखने को मिली। तो ट्रेडिशनल में भी ना काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, एंड
जिनको ज़्यादा फैशन नहीं है, बहुत सिंपल क्लोथ्स चाहिए, वो भी यहाँ पे इस मार्केट में मतलब हर एक इंसान क्या यू नो चॉइस के ऊपर अगर आप देखें तो इस मार्केट में हर एक इंसान बहुत स्टाइलिश है, तो उसके लिए भी आपको इस मार्केट में चीज़ें मिलेंगी। और अगर आप ज़्यादा स्टाइलिश नहीं हो, आपको नॉर्मल चीज़ें पसंद है, तो भी आपको इस मार्केट में यू नो शॉप्स हैं जिसमें बहुत नॉर्मल कपड़े मिलते हैं, तो वो भी आपको इस मार्केट में मिलेगा। कैप्स की वैरायटीज़ काफ़ी देखने को मिली इस बारी, और ज्वेलरी में तो चोकर्स और यू नो नेक पीसेस के आप देख सकते हैं क्या भरमार है। मतलब सरोजनी नगर में ज्वेलरी तो मतलब ऐसा है कि मैं जब भी वहाँ जाती हूँ ना, मैं आपको हॉल दिखाने वाली हूँ। आपको नेक्स्ट मेरा सरोजनी नगर का हॉल देखने को मिलेगा। लाइक मैं ज्वेलरीज भी लेकर आई हूँ, ऑब्वियसली इनफैक्ट कपड़े भी लेकर आई हूँ। इस बारी मुझे समर्स में इतनी चीज़ें नहीं मिली क्योंकि ऑब्वियसली बॉम्बे में विंटर्स इतने ज़्यादा होते नहीं हैं, तो मैं समर्स के हिसाब से काफ़ी कम चीज़ें लेकर आई हूँ। बट ज्वेलरीज और जो जो मुझे चीज़ें लगी वो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ। इनफैक्ट वहाँ पर ना डेकोर आइटम्स काफ़ी नए आए हुए थे, बट मैंने इस बार पूरा कवर किया है विंटर कलेक्शन, क्योंकि लोगों को पता चले कि विंटर कलेक्शन में क्या क्या नई नई चीज़ें आई हैं। तो 150 रुपये में ना आपको ओहो क्या वैरायटीज़ देखने को मिलेंगी। तो ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, लाइक आप कोई भी नॉर्मल इंसान हो जो अफोर्ड नहीं कर सकता ना बड़े ब्रांड्स, वो इस मार्केट में जाके चीज़ें इजीली ख़रीद सकता है। और ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे बहुत क्लासी लोग भी आते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे इतने आप देखिए ना वैरायटीज़ देखिए क्वार्ट सेट्स देखिए ना, आप यहाँ पे घर में पहनने वाले ये सारे ऊपर से जैकेट्स और नीचे से पैंट सेम सेट्स वहाँ पे देखने को मिले, और स्वेटर्स बॉडीकॉन ड्रेसेस एंड यू नो लेदर जैकेट्स लेदर स्कर्ट्स शर्ट्स, ये देखिए बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड की शर्ट्स टाइड आए के, तो क्वार्ट सेट्स इतने अच्छे आए हुए थे। जैसे मैंने बोला कि वेलवेट में यू नो क्वार्ट सेट्स काफ़ी अच्छे देखने को मिले, इस बारी न्यू चीज़ देखने को मिली। और ये है बूट्स वाली शॉप, तो ये बूट शॉप ऐसी है, थोड़ी एक्सपेंसिव है, बिकॉज़ यहाँ पे बूट्स आई थिंक 1000 तक के आपको इजीली बूट्स मिल जाएंगे, बट इस 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 यहाँ पे टू दी एक्सटेंड लाइक 10000 तक के भी बूट्स, क्योंकि यहाँ पे प्योर लेदर मिलता है, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आजकल न्यू ये कार्टून वाले जो स्वेटशर्ट्स चल रहे हैं, हुडीज़ चल रहे हैं, यू नो ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी यू नो वैरायटीज़ में देखने को मिली। मफलर्स, कैप्स, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आपको स्वेटशर्ट्स, वो सारी चीज़ें ना आपको इस मार्केट में मिलेंगी। तो इस मार्केट में शॉप्स भी हैं, स्ट्रीट्स भी हैं, तो आपको जैसा चाहिए आपको वैसा इस मार्केट में देखने को मिलेगा। बूट्स में आप ये देखिए, ये जो स्ट्रीट में इन्होंने बूट्स लगाए थे रोड में, ये 500 रुपये में आपको ईजिली मिल जाते हैं, तो इनका एक ही रेट होता है 500 रुपये। तो ये बाकी तो आपको समर्स में भी कुछ कुछ चीज़ें यू नो मिल जाएंगी, बट प्रॉपरली यहाँ पे अगर देखो तो इस टाइम पे पूरा विंटर कलेक्शन है। समर्स में हार्डली लाइक आपको चार पांच शॉप्स या ऐसे चार पांच यू नो सेल्स में होंगे जो आपको देखने को मिलेगा। तो अपनी मम्मी के लिए या किसी के लिए लेडीज़ के लिए यहाँ पे स्वेटर्स काफ़ी अच्छी रेंज में देखने को मिलेंगी। अगर आपको अपनी मम्मी के लिए कुछ लेना है तो वहाँ पे वो सब भी मिलेगा। एंड आप देख सकते हैं इस मार्केट में इस बारी काफ़ी रश था, मैं दो बारी गई थी, बट दो बारी में ना आई वॉज़ लिटरली टायर्ड, बिकॉज इतना रश था कि धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड ऑल्सो आप देख सकते हैं ये कैप्स की वैरायटीज़ और स्वेटर्स में जो श्रग्स होते हैं, हाईनेक्स होते हैं, वो सब जितना विंटर्स की चीज़ें होती हैं ना वो सब देखने को मिलेंगी। एंड ये यहाँ पे ब्रेसलेट बनाते हैं, आजकल ईविल आई के काफ़ी ब्रेसलेट्स चल रहे हैं, तो यहाँ पे ये ब्रेसलेट्स आपको उसी टाइम बना के देंगे, कस्टमाइज़ करते हैं ये लोग। तो येस, एंड ट्रेडिशनल ज्वेलरी तो मतलब सरोजनी नगर में ज्वेलरी तो आप भूल ही जाओ, लाइक ज्वेलरी तो इतनी वैरायटीज़ में मिलती है ना कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो येस, एंड ये है मेरा सरोजनी नगर का पूरा फुल यू नो मार्केट टूर। तो अगर आप दिल्ली में हैं और आप सरोजनी नगर मार्केट नहीं गए ना, तो आप जाइए। विंटर कलेक्शन में आप वैरायटीज़ ढूंढ रहे हैं तो सरोजनी नगर मार्केट जाइए, बिकॉज आपको वहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी जो भी आपको चाहिए, चाहे वो पैंट्स हो, डेनिम्स हो, स्कर्ट्स हो, ट्रेंच कोट हो, ओवरकोट हो, हुडीज हो, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस मार्केट। एंड ऑल्सो लेटेस्ट चीज़ मुझे एक और चीज़ देखने को वहाँ पे मिली, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेलवेट में स्वेटशर्ट्स और यू नो क्वार्ट सेट्स काफ़ी आए हुए थे, तो मुझे यहाँ पे वेलवेट फील में ये पैंट्स देखने को मिली जो ज़ारा की थी। एंड यस, ये मैंने ज़ारा में भी लेटेस्ट देखी है। तो आपको ना लेटेस्ट जो चीज़ें हैं ना H&M, ज़ारा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी।
सो येस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट डाउन. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर.